तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है, या किसी प्रकार की भी समस्या असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर विथ योर नेम एंड योर ईयर, आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो है हमारे लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम से। जी हाँ दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक। ये क्वेश्चन जो है आपके दो नंबर में वैसे तो पूछा गया, लेकिन एक टीचर के रूप में आपको मेथड और टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो समझना चाहिए। मेथड यानी कि विधि और टेक्निक यानी कि तकनीक। तो तकनीक और विधि क्या है, इनमें क्या मूलभूत अंतर होता है, ये समझते हैं यहाँ पर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगर हम लोग बात करते हैं मेथड की तो और टेक्निक की, तो हम वन बाई वन करके इसको देखते हैं। मेथड क्या होता है, कोई भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका, ठीक है दोस्तों। जब हम किसी काम को एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हैं, एक प्लान के तरह करते हैं, तो हम कहते हैं वो है मेथड। और टेक्निक क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या सेट ऑफ एक्शन दैट इज यूज टू कंप्लीट या अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क और गोल। तो जब हम किसी काम को, ठीक है ना, किसी विशेष काम को करने के लिए जब हम कुछ एक विशेष तरीका अपनाते हैं तो वो टेक्निक कहलाता है। लेकिन जब हम एक निश्चित मेथड को फॉलो करते हैं तो ये मेथड यानी निश्चित प्रक्रिया, निश्चित प्लान फॉलो करते हैं तो मेथड कहलाता है। मेथड हर कोई फॉलो कर सकता है, लेकिन टेक्निक सबकी सेम नहीं होगी, ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। स्कोप की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा जो दोस्त हमारे हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल भी घबराना है, सेम नोट्स नीचे में हिंदी में भी है, ठीक है। ब्रॉड एनकॉम्पेसिंग ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क। अगर स्कोप की बात करें कि मेथड भाई क्या है, तो मेथड काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, इसमें कई सारी स्ट्रैटेजीज आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर टेक्निक की बात करें, नहीं, टेक्निक में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही तरीके के एक्शन को बार बार किया जाता है, तभी ये सिर्फ फोकस्ड होता है एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। और टेक्निक का इस्तेमाल कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक ही तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मेथड ऐसा नहीं है। मेथड के अंदर कई सारे टेक्निक्स हो सकती हैं आपके। एग्जांपल की बात करें तो जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, आप साइंटिफिक स्टडीज़ करते हो, जो उनका रिजल्ट निकलता है वो सब क्या है, एक मेथड के प्रॉपर तरीके से होता है। जबकि अगर कोई स्टूडेंट ना नोट बनाता है, कोई स्टूडेंट खेलता है, कोई लिखता है, या कोई खाना खाता है, या कोई कुछ भी अपने लेवल पे इंडिविजुअल काम करता है, तो वो उसका टेक्निक होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो मेथड अप्लाइज टू एंटायर प्रोसेस और मेजर पोर्शन। कोई भी प्रक्रिया हो रही, कोई काम आप कर रहे हो, तो उसमें आप पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी काम करो उसे आप मेथड बोल सकते हो। लेकिन टेक्निक किसी एक विशेष हिस्से पर इसकी किसी स्पेसिफिक स्टेप्स में शामिल होता है, तो ये ध्यान रखें, बड़े बारीकी से इसको समझना है। जनरली जो मेथड होते हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होते हैं और एक फिक्स्ड सीक्वेंस में उनमें स्टेप्स शामिल होते हैं, यानी कि कोई भी काम करने का एक फिक्स स्टेप होता है और वो आप मेथड जो होता है ना उसमें फिक्स्ड स्टेप होते हैं और आप उनको चेंज नहीं करते। लेकिन जो टेक्निक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है, वेरी करती रहेगी आपको। पर्पज़ की बात करें तो इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अचीव ए गोल और सॉल्विंग प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम मेथड की बात करें तो प्रोवाइड स्पेसिफिक टूल और एक्शन टू इफेक्टिवली कैरी आउट ए पार्ट ऑफ ए मेथड। तो आपको पहले ही बता दिया कि टेक्निक जो है मेथड का ही पार्ट है, एक मेथड के अंदर बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम या कोई काम करते हैं तो उसमें हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, और उस मेथड के अंदर जो छोटे छोटे काम करने के लिए हम लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं, तकनीक इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा टेक्निक कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखने चाहिए। एग्जांपल यहाँ पर मैंने आप दे दिया कि मॉन्टेसरी लेवल पर आप जो पढ़ाई की जाती है वो क्या है, मेथड है। लेकिन जब बच्चों को ना आप निमोनिक्स के मेथड से चीज़ों को सिखाते हो वो क्या है, टेक्निक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका हिंदी पार्ट देखिए यहाँ पर है, तो आप इसको आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो।